अगले 15 दिन रूस और यूक्रेन के लिए करो या मरो वाले साबित हो सकते हैं। एक तरफ रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने का टारगेट फिक्स कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखें यूक्रेन और नाटो अब रूस पर इस तरह से हमला कर रहे हैं ताकि रूस को 43 टुकड़ों में तोड़ा जा सके। नाटो के इस मिशन में अमेरिका ने अपनी 5वीं पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट तक को जंग में उतार दिया है। क्या वाकई में अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन और नाटो के 31 देश मिलकर रूस को 43 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं? क्या इस वक्त रूसी सेना पर हो रहे काउंटर अटैक ने रूस को बेहद कमजोर कर दिया है? तिरालीस जगह से रूस पर हमले। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन किस दम पर दावा कर रहे हैं कि नाटो और अमेरिका के 150 से ज्यादा F-35 लड़ाकू विमानों को मारने के लिए रूसी वायुसेना ने सटीक हमले शुरू कर दिए हैं। क्या अमेरिका खुफिया तरीके से F-35 लड़ाकू विमानों से रूस पर हमले कर रहा है या फिर करने जा रहा है? मारे जाएंगे 150 F-35। 15 महीने से ज्यादा की जंग में रूस अब तक पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन में जबरदस्त जमीनी हमले कर रहा है। अगर हवाई हमलों की बात की जाए तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर ही पिछले 15 दिनों में 16 से ज्यादा सीरियल अटैक रूस कर चुका है। रूस के तूफानी हमलों का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 12 दिनों में कीव और उसके आसपास के दर्जन भर शहरों पर 2000 से ज्यादा मिसाइल हमले हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक जब से मॉस्को पर ड्रोन अटैक हुआ है तब से रूस ने सिर्फ 24 से 36 घंटे के अंदर कीव समेत यूक्रेन के 13 शहरों पर 1200 से ज्यादा हमले किए हैं। यूक्रेन और नाटो के काउंटर अटैक भी रूस के तूफान को रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब नाटो और पश्चिमी देशों ने रूस को अंदर से खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है, यानी विशाल रूस में एक ऐसी जंग की शुरुआत जो रूस को 43 टुकड़ों में तोड़ सकती है। इसीलिए पुतिन विरोधी रूसियों और बागियों को पश्चिमी देश हथियार देने में जुटे हैं, ऐसा कई रिपोर्ट में दावा किया गया है। हम पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर रूस को जंग के दम पर 43 हिस्सों में पश्चिमी देश क्यों तोड़ना चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के दावे के मुताबिक कई पश्चिमी देश अब पुतिन के रूस को 43 टुकड़ों में तोड़ने के लिए वॉर प्लान पर काम कर रहे हैं। रूस के खिलाफ फिलहाल जमीन की जगह कागज के नक्शे पर जंग छिड़ी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि FNPRF के उत्तरी यूरेशिया 2023 के मानचित्र में रूसी संघ से बाहर किए गए 41 देशों के साथ रूस के बाद यूटोपिया को दर्शाया गया है। पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट्स का साफ साफ कहना है कि रूस एक विफल राष्ट्र यानी फेल स्टेट बन चुका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ज़िग्मर ब्रेजिन्स्की ने भी सिफारिश की थी कि रूस को 3 गणराज्यों में विभाजित किया जाना चाहिए, लेकिन अब डिमांड 43 रिपब्लिक तक यानी रूस को 43 टुकड़ों में तोड़ने तक पहुंच गई है। आखिर रूस को हराने का दावा करने वाले यूक्रेन और नाटो अचानक रूस को 43 टुकड़ों में तोड़ने के मिशन पर क्यों लग गए हैं? जरा इसे भी समझ लीजिए। अभी तक यूक्रेन को 12 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार नाटो और पश्चिमी देशों से मिल चुके हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना अब तक रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाई है।
दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो रूस की परमाणु धमकियों से इस कदर खौफ में हैं कि वो रूस पर सीधा हमला करने से बच रहे हैं। इधर रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 30% इलाके पर कब्जा कर लिया है और उसका टारगेट यूक्रेन के 4 प्रांतों पर पूरी तरह से कब्जा करने का है। यानी रूस अखंड रूस के मिशन की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए अब पश्चिमी देश रूस के अंदर बगावत और ग्रे युद्ध से रूस को 43 हिस्सों में तोड़ने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि पुतिन यूक्रेन नाटो और पश्चिमी देशों से एक साथ जंग करने को आमादा है। Без всяких внешних признаков какой-то напряженности военно-политической объявили о том, что вступают в НАТО, хотят вступить в НАТО, а западные страны, страны Альянса в Бухаресте, по-моему, на саммите объявили о том, что для Украины двери в НАТО открыты. Мари Джанги, 150F-35. हाफ्ता हाफ्ता यूक्रेन जंग में बुरी तरह से घिर चुका है, या कहें कि नेटो और पश्चिमी देशों के हाथों की कठपुतली बन चुका है। नेटो भी समझ चुका है कि रूस के खिलाफ अगर जल्द आर पार की जंग नहीं की तो रूस यूक्रेन को जिंदा ही निगल जाएगा। अब खबर आ रही है कि 14 देशों की वायुसेना मिलकर रूस के खिलाफ जंग करने जा रही है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक रूस के खिलाफ नेटो और पश्चिमी देशों की 14 वायुसेनाओं ने जंग छेड़ भी दी है। बाल्टिक सागर से काला सागर तक रूस के खिलाफ हवाई युद्ध शुरू भी हो चुका है। रूस के खिलाफ नेटो के हवाई युद्ध में सबसे ताकतवर माना जाने वाला अमेरिका का लड़ाकू विमान F-35 भी उतर चुका है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक मिग और सुखोई सीरीज के रूसी लड़ाकू विमान आसमान में अमेरिका के F-35 जेट के चीथड़े उड़ाने के लिए आसमान में गश्त कर रहे हैं। जरा देखिए क्या है प्लान। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के खिलाफ नेटो और पश्चिमी देशों की 14 वायुसेना उतर पड़ी है। आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज में 150 लड़ाकू विमान रूसी विमानों को मार गिराने की जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का F-35S रूस के खिलाफ मिशन में लीड करने वाला लड़ाकू विमान होगा। F-35S स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे रूसी वायुसेना के खिलाफ ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। अगले 2 हफ्तों में 2 दर्जन से अधिक अमेरिकी वायुसेना के जेट और टैंकर लगातार अभ्यास करते रहेंगे। 29 मई से 9 जून 14 देशों की वायुसेना के 150 फाइटर जेट जंगी अभ्यास के बाद रूस पर हमला करेंगे, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। हम आपको बता दें कि रूस के खिलाफ उत्तरी 14 देशों की वायुसेना में से 12 देश नेटो के मेंबर हैं, जो अब खुले तौर पर रूस से जंग करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ रूस ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-35S जैसे ही रूसी इलाके में दिखेगा, रूसी वायुसेना उसे तुरंत मार गिराएगी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को भी एहसास हो चुका है कि अगर अभी तुरंत रूस को काबू नहीं किया गया तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा और ऐसी स्थिति में यूक्रेन के साथ नेटो और पश्चिमी देशों की भी रूस के सामने हार हो जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो साफ कह दिया है कि हमें हर हाल में यूक्रेन की सैन्य मदद करनी होगी, वरना सब मारे जाएंगे। Il nous faut aujourd'hui aider l'Ukraine par tous les moyens pour mener une contre-offensive efficace. C'est indispensable. C'est ce que nous sommes en train de faire, nous devons l'intensifier, car ce qui se joue dans les prochains mois, c'est la possibilité même d'une paix choisie et donc durable. La deuxième chose, c'est que nous devons être très clairs sur ce qu'on appelle la paix. La paix en Ukraine et sur notre continent, ça ne peut pas être un cessez-le-feu qui consacre l'état de fait. हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 2,08,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि उसने रूस के 3,800 से ज्यादा टैंक, 7,500 के करीब बख्तरबंद और 313 फाइटर जेट रूस में मार गिराए। लेकिन उसके बावजूद रूस यूक्रेन को जंग में हराता जा रहा है। इसी को लेकर नेटो देश घबराए हुए हैं। इट विल नॉट बी सफिशिएंट
and the war will last. I think at that time, we will have to reassess the situation to see how to calibrate our support at that time. But let's be clear. If we decrease our support, if de facto we accept a sort of a ceasefire or a frozen conflict, time will be on the Russian side. 15 महीने की जंग के बाद यूक्रेन के साथ साथ नेटो और पश्चिमी देशों को भी एहसास हो चुका है कि रूस को एक साल के युद्ध के बाद जितना कमजोर समझा जा रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि रूस ने पिछले 21 दिनों से यूक्रेन की राजधानी कीव पर घातक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेटों से हमले बेहद तेज कर दिए हैं। यहाँ तक कि अपनी केंजल मिसाइलों के तूफानी हमलों से कीव में मौजूद अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को भी तबाह कर डाला है। पिछले दो हफ्तों से रूस के खिलाफ यूक्रेन ने काउंटर अटैक को बहुत तेज कर दिया है, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन को मिले सबसे एडवांस हथियार युद्ध में तबाह हुए हैं, उसने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड जैसे देशों के हौसले पस्त कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, तो फिर रूस के 43 टुकड़े नेटो और पश्चिमी देश कैसे कर पाएंगे? और दूसरा सवाल ये है कि क्या 14 देशों की वायुसेना मिलकर रूस को जंग में हरा सकती हैं? क्योंकि अगर 14 देशों की वायुसेना ने एक साथ रूस पर हमला किया तो पुतिन का रूस जमीन से आसमान तक परमाणु धमाकों से आग बरसा देगा। इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए।